जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है और चुनाव अच्छे से पूरे हो जाएं इसके लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। पूरे 10 साल बाद होने वाली वोटिंग को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। इन चुनावों को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त है। चलिए जानते हैं कि इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या खास इंतजाम जम्मू कश्मीर में किए हैं और दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि हर चुनावी गतिविधियों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। टीम बनाई गई है जो वीडियो की बारीकी से स्टडी करे। कैंडिडेट्स को चुनावी जनसभा, रैली और रोड शो की जानकारी ऑनलाइन 48 घंटे पहले या फिर ऑफलाइन एक दिन पहले दिया जाना जरूरी है। चुनाव में किए जाने वाले खर्च की पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा। वीडियोग्राफर भाषण से लेकर पंडाल और उसमें लगने वाली कुर्सी, मंच और वहां पर दिए जाने वाले खाने की भी वीडियोग्राफी करेगा, जिससे खर्च का अंदाजा हो सके। प्रिंटिंग प्रेस वालों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासनिक अनुमति के बिना कोई भी प्रचार सामग्री न छपे। वो जो कुछ भी छाप रहे हैं उस पर उनका नाम और पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर दोनों का भी प्रावधान है। खर्च का बिल आरओ के पास भेजा जाएगा। अगर प्रत्याशी के समर्थक अपने स्तर पर भी प्रचार के रूप में पोस्टर, पंफलेट, हैंडबिल, बैनर ये सब छपवाते हैं तो ये भी चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। प्रत्याशी इस बात का ख्याल रखे कि उनकी जनसभा, चुनावी रैली की वजह से आम जनता को परेशानी ना हो। सभाओं में लाउडस्पीकर या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए पहले अनुमति लेनी जरूरी है। ये भी ध्यान रखें कि चुनावी रैलियों, जनसभाओं की वजह से ट्रैफिक बाधित ना हो। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी सरकारी भूमि, भवन के अलावा निजी भूमि, इमारत, मकान की दीवारों, इन सब पर बिना अनुमति के पोस्टर, पार्टी का झंडा फहराने, नारे लिखने का काम ना करे।